हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं मैथ्स एजुकेटर विकास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज की एक सीरीज में चला रहा हूं और जहां पर आपके पास पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं और इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं कि आप हर जगह ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में, और वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया और इसी की प्रैक्टिस कर ली तो ये 100% मैं गारंटी देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये टाइप आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, कि आय बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आय, यानी कि बचत और खपत, इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि अगर आपको पता है कि आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये इनकम हो गई, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग्स हो गई। देखिए क्वेश्चन, जैसे कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, तो अगर मैं ये कहूं कि राम है और राम की इनकम को मैं 100 मान लूं और 14% अगर वो बचत करता है, यानी कि 14 की बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है? 86 खर्चा करता है। ठीक है, अब इसके बाद श्याम की बात करते हैं। अगर श्याम 22% की बचत करता है, अगर मैं श्याम के वेतन को भी, यहाँ पर श्याम के वेतन को भी 100 मान लें और ये इसमें से 22 की बचत करता है, तो 78 ये क्या करता है? खर्चा करता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब कहा यह गया है कि दोनों का समान वेतन पाते हैं। भाई दोनों समान वेतन ही पा रहे हैं, 100 और 100, दोनों का समान वेतन पहले ही ले लिया, दोनों समान वेतन पा रहे हैं। अब उसने कहा कि श्याम 1540 रुपये की बचत करता है। अब यहाँ पर अगर मैं बचत की बात करूँ तो बचत का रेशियो तो सीधा सीधा पता चल रहा है हमको, बचत का रेशियो कितना है? 14:22। अब इसको और रेशियो को अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारा बन जाएगा बचत का रेशियो 7:11। ठीक है, 7:11 बन गया। अब यहाँ पर 11 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1540, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? 7 की वैल्यू पूछी गई है। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन हो गया, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 1540 रुपये हो गई, और 11 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1540 / 11। 11 से इसको कैंसिल किया, 1, और फिर 4 = 44, यानी कि 140। अब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 140 × 7। आई बात समझ में? अब कैसे इसको कैलकुलेट करोगे अगर आपको 14 की टेबल नहीं आती है? तो भाई 7 और 7 तो आता है 49, और 49 का क्या कर दो? डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा? 980। क्लियर हुई बात आपको? 980। कैलकुलेशन का भी एक बार वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, इसमें ये समझाएंगे कि कैसे पेपर के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये भी आपको एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें समझाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो ना, उन्हीं से सिलेक्शन रुक जाते हैं, उन गलतियों से कैसे बचा जाएगा ये सब कुछ बताया जाएगा आपको। आपको रियल एग्जाम को यहाँ पर फेस करना सिखाया जाएगा कि कैसे आप रियल एग्जाम में फेस करते हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो अंदर आप क्या सोचते हो, किस तरीके से आपको करना है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसका? 980। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, राजेश अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बात यहाँ पर ये आती है कि राजेश अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो एक बात मान लो यहाँ पर, भाई 75% दिया गया है, तो राजेश भाई हैं कोई, ठीक है, राजेश यहाँ पर है, इनकी इनकम होगी कुछ, ऐसा मान लेते हैं इनकी इनकम 100 है, और इस इनकम 100 में से वो खर्चा कितना कर देते हैं? 75%, यानी कि 75 मान लेते हैं। अगर वो 75 यहाँ पर खर्चा कर देते हैं तो एक चीज़ देखो यहाँ पर कि 75 खर्चा में से वो सेविंग्स कितनी कर लेंगे? ये कर लेंगे कितनी? 25। बात समझ में आ गई? कितनी सेविंग्स कर लेंगे? 25 सेविंग्स यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आप लोग ये देखिएगा, उसने आगे कहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई। अगर आय उसकी 20% बढ़ गई तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 120 हो गई, यानी कि 20 रुपये बढ़ गई यहाँ पर। और उसके बाद आगे कहा गया है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर ली, यानी कि खर्च पहले अगर 25 करता था तो 10% की वृद्धि के साथ, यानी कि 2.5 ज़्यादा खर्च करने लगा, यानी कि कितना हो गया? 27.5 खर्च करने लगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अच्छा सॉरी, खर्च बढ़ गया आपका 10%। कितना खर्च बढ़ गया? 10%। ठीक है, तो 10% अगर खर्च बढ़ गया तो ये कितना बढ़ गया? यानी कि 7.5 बढ़ गया, और 75 में 7.5 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 82.5।
क्लियर हो इतनी बात आपको, 82.5, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बात पूछी गई। तो एक बात बताओ सिंपल सी कि 20 रुपए आपकी जेब में ज़्यादा आने लगे, 7.5 का ज़्यादा भार बढ़ गया, तो भाई बचा भी तो लिया, कितना बचा लिया, 12.5 बचा लिया आपने। अगर आपने यहाँ से 12.5 और बचा लिया तो सीधी सी बात है आपके पास कितना हो गया, 37.5 हो गया। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए जाएंगे तो 12.5 की बचत हो रही है, कितने की बचत हो रही है, 12.5 की बचत हो रही है, और किसके कंपेयर में हो रही है, 25 के कंपेयर में हो रही है, 25 के कंपेयर में हो रही है। परसेंटेज बनाने के लिए इंटू कर दो, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 25 यानी कि 12.5 का डबल कितना होगा, 25, उसका डबल कितना होगा, 50। तो हम कह सकते हैं कि 50% की उसे पहले से ज़्यादा बचत होगी। क्लियर हो इतनी बात आपको, समझ पा रहे होगे, ठीक है, ठीक। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी 8,550 रुपए की अपनी आय में से 5,700 रुपए खर्च करता है, मगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो एक बात आपको बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है और ये क्वेश्चन अगर SSC में और स्पेशली SSC और NTPC में अगर आपके सामने आ रहा है, यानी कि रेलवे में आ रहा है, तो समझ लो कि इसका कोई ना कोई रेशियो जरूर बन रहा होगा। अब क्या रेशियो बन रहा होगा उसको समझिए, आपका दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई 8550 ये लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है 57, ये 19 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये 19 से कैंसिल कितनी बार में हो रहा है, 300 आ गया यहाँ पर, कोई समस्या यहाँ पर आपको, कोई समस्या नहीं, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया तो ये भी यहाँ से ख़त्म कर दो, ठीक है। अब मैं अगर इसे 19 से कैंसिल करूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 19 से अगर मैं 4 बार इसे करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 76, यानी कि 4 बार किया तो ये कितना हो गया, 76। अब इसके बाद क्या हुआ, 76 होने पर यहाँ पर बचा कितना, 9 और ये 5, तो कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा ये 5 बार, तो ये आ गया 45, ये 30। फिर से अगर मैं 15 से करूँ तो 15 3 45 और 15 2 30, तो मुझे एक बात पता चल गई कि हमको तो सिर्फ रेशियो की ज़रूरत थी और रेशियो हमारा कितना निकल कर आ गया, 3:2 निकल कर आ गया। क्लियर हुई इतनी बात आपको, यानी कि रेशियो 3:2 निकल कर आ चुका है आपका, किसका, आय का और खर्च का। तो देखो अब मैं बात करता हूं कि यहां पर मान लो इनकम है, वो कितनी है, इनकम आपकी 3 यानी कि 300 कर दो। अगर मैं खर्च की बात करूं, एक्सपेंडिचर की बात करूं, ये 2 है तो यानी कि 200 कर दो। अगर मैं बात करूं सेविंग्स की, यानी कि एस, ये 100 कर दो। कोई समस्या यहां तक आपको, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब उसने बोला कि मगर उसकी आय और खर्च क्रमशः, यानी कि आय उसकी कितनी बढ़ जाती है, 19%, आय उसकी बढ़ जाती है 19%, खर्च उसका बढ़ जाता है 13%, तो बचत में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो एक चीज, 19% यानी कि क्या हुआ, 57, यानी कि अब वो पहले से 57 ज्यादा कमाने लगा, लेकिन पहले से 26 ज्यादा खर्च भी करने लगा, तो बचा कितना रहा यहां से, अगर मैं यहां से देखूं तो 31 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा है। 31 पहले से ज्यादा बचा रहा है कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज की बात करें तो कितना निकल के आ गया, 31%, यानी कि पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है, 31% पहले से ज्यादा बचा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी करने में, ठीक। क्वेश्चन लिखा हुआ है और अब तो आप समझ गए, कॉन्सेप्ट को भी समझ गए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी कुछ अलग तरीके भी क्वेश्चन आएंगे आपको, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 62/3% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो, हाँ तो देखो, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो यानी कि ऐसा मान के चलो कि अगर उसकी आय पहले कितनी थी, 100 थी, यानी कि उसकी इनकम पहले 100 थी, अब 100 में से 75% खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 75 हो गया। अगर अब सेविंग्स कितनी हो जाएंगी उसकी, 25, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप चाहो तो रेशियो भी ले सकते थे, 4 यहाँ पर आ जाता, 3 यहाँ पर आ जाता, यानी कि 25 से ले लेते, 3 1 4, ये भी ले सकते थे, कोई समस्या नहीं होती आपको, ठीक है। लेकिन चलो इसी पे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद उसने बोला उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, चलो आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 20 रुपए की वृद्धि, अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है कि एक्सपेंडिचर में कितने की, 62/3%, और 62/3% इक्वल टू होता है 1/15,
तो 1/15 की बात करें तो ये कितना हो गया, 15 से 5, यानी कि 5 की इसमें वृद्धि हो गई। अरे बात समझ में आई आपको, ठीक है। 6 2/3% इक्वल टू कितना होता है, 6 2/3% इक्वल टू होता है 1/15, ठीक है। अब 25 है यानी कि ये हमारी बचत है, तो एक बात बताओ, पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमाने लगे लेकिन खर्चा यानी कि 5 रुपये, मतलब कुछ खाने लगे 5 रुपये का एक्स्ट्रा, तो 5 रुपये केवल ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो, 20 रुपये में से भी 15 रुपये बचा रहे हो। इसका मतलब सेविंग पहले से 15 रुपये ज़्यादा होने लगी। 15 किसके कंपेयर में, 25 के कंपेयर में, इंटू कर दो 100 का, तो 25 और 4 15 4 कितना हो गया, 60%, यानी कि आपकी पहले से 60% की बचत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें थोड़ा सा आपका रेशियो का भी लॉजिक लगेगा, जो कि मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी दोनों की आय कितनी दी गई है आपको, 1500 दी गई है, 1500 दी गई है, यानी कि हाँ 1500 दी गई है। ए प्लस बी दोनों की आय कितनी दी गई है आपको, 1500 दी गई है। आई बात समझ में इतनी आपको, ठीक है। इसके बाद ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। ए की लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ बी लिख लेते हैं। ए और बी, ए ने अपनी आय का यानी कि इसकी इनकम को मैं मान लेता हूँ 100 और इसकी इनकम को भी मान लेता हूँ 100। अगर इसने अपना 90% और बी ने अपना 80% खर्च किया, इसने अपना 90% यानी कि 90, तो बचा कितना लिया 10, और इसने अपना 80% यानी कि इसने कितना बचा लिया 20, इतना हुआ। अब उनका क्या बताना है कि बचत का अनुपात 3:4 है, तो उनकी पृथक आय क्या होगी। तो देखो समझने की कोशिश करना, सबसे पहले अगर मैं ये जीरो को ख़त्म कर दूं, यहाँ से जीरो को ख़त्म कर दूं, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगर मैं 2 से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ भी हमारा कितना आ गया, 1, और यहाँ भी कितना आ गया, 1, यानी कि उनकी जो ये एक्सपेंडिचर है और ये उनकी सेविंग्स है, सेविंग्स का रेशियो 1:1 बन गया, लेकिन मुझे सेविंग्स का रेशियो 3:4 चाहिए। तो यहाँ मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको, इनके ऊपर वाले में 3 का, नीचे वाले में 4 का, तो सेविंग्स का रेशियो कितना आ गया, 3:4 आ गया, लेकिन ये कितना बन गया, 30 बन गया। इनकी नाव ये बिकम्स, नाव बिकम्स 30, ये कितना बन गया, 20 बन गया। कोई समस्या यहाँ तक आपको, यानी कि 30 और ये 20 बन गया, क्लियर हुई इतनी बात आपको, समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा गया है तो ये बताओ कि जो 1500 है वो किस रेशियो में बट जाएगा, उनकी बटने का क्या रेशियो होगा। तो देखो अब 1500 है हमारा, इसका रेशियो क्या बटेगा, 3:2, तो 5 की वैल्यू 1500, अब ये मन में हो जाएगा 300, तो 3 की वैल्यू 900 और 2 की वैल्यू 600, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखो समझो, यानी कि 30 आ गया, 20 आ गया, कब, जब मैंने उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, 3:4 वाली कंडीशन। तो यहां पर 1500 है, ये 3:2 आ गया, यहां से मैंने देखा कि 1500 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 900 और 600 हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक सा क्वेश्चन था, इसमें क्या था आपका, रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो आपको वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जो भी मैं टॉपिक आपको लेकर आता हूं उसमें ये नहीं है कि मैं आपको कुछ हल्का फुल्का उसका कुछ क्वेश्चंस लेकर आ जाऊं, आपको दिखा दूं और फिर उसके बाद बस जादू सा दिखा के चला जाऊं, नहीं, मैं आपको ईमानदारी से उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे कि जो लोग तैयारी कोचिंगों में जाके नहीं कर पा रहे हैं तो कोचिंग जैसी फीलिंग ही उनको यहाँ पर आएगी, क्योंकि हर चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.5% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत ज्ञात की है। तो सबसे पहले देखो कि जो आय में वृद्धि हो रही है ना, वो 16 से 2/3% की 1/6, यानी कि हमको 6 का मल्टीपल आय में लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बचत में 37.5%, यानी कि 1/8, तो वहाँ पर 8 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि हमारे पास 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, हमारे पास 6 का भी मल्टीपल होना ही चाहिए, और 8 और 6 का हमारा अगर एलसीएम देखा जाए तो 24 आता है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या कि यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो ऐसे किया करो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कितने का मल्टीप्लाई करें क्या करें, तो ऐसे किया करो, इसको पहले 100 ले लो, तो ये 80 बचेगा, तो ये 20 हो गया, कोई समस्या नहीं इतने में।
अब आपने देखा कि इसमें 16 2/3% की वृद्धि हो रही है, और 16 2/3% से आप भली भांति परिचित हैं, 16 2/3% इक्वल टू होता है 1/6। अब 6 का तो मल्टीपल है नहीं इसके पास, तो अब हम क्या करें, इसके पास 2 का मल्टीपल तो है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो इसको मैं कितना बना दूं 300। आई बात समझ में? जब ये 300 बनाया तो कितना बना दिया 240, और ये 240 बनाया तो ये कितना बना दिया 60। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतने में। अब 1/6 की वृद्धि होती है, तो 1/6 का मतलब क्या हुआ, 50 की वृद्धि, तो 350 आ गया। अब 240 की अगर हम बात करते हैं, कितने की 240 की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कितने की 240 की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 37.5% की वृद्धि, 37.5% यानी कि 3/8, और 3/8 का मतलब क्या हुआ 8 3 और 3 90, यानी कि 90 की, यानी कि समझिएगा, देखो मैंने क्या किया 240 × 3/8, और 3/8 का मतलब 37.5% का मतलब 3/8 होता है, तो 8 से इसको किया तो कितनी बार 30, और 30 कितना हो गया 30 × 3 कितना हो गया 90। तो अब ये कितनी बन गई हमारी 240 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, तो 330, कोई समस्या नहीं इतनी, ठीक है। अब ये 350, ये 330, अब ये सेविंग्स कितनी बची, भाई पहले 350 की सेविंग हो रही थी, वो 350 पहले 60 की सेविंग हो रही थी, अब 350 में से 330 जाएगा, तो अब सेविंग हो रही है सिर्फ 20 की, कोई समस्या नहीं इतने तक। अब बात यहां पर यह आती है कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, यानी कि अब उसकी बचत है कितनी एक्चुअल में, यह बताना है। तो 20 बचत है किसके कंपेयर में, 350 के कंपेयर में, इंटू कितना आ जाएगा 100, जीरो से जीरो चला जाएगा, यहां पर आप देखो 5 से इसको कैंसिल करो 7 आ गया, 5 से इसको करो 2 आ गया, यानी कि 40 / 7, 7 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5/7%, यानी कि वर्तमान में उसकी कितनी है 5 5/7% बचत है। समझ में आई बात आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ो जिसमें आपको कहीं कोई समस्या ना हो, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आप हल कर सको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन क्या है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा। हाँ, तो आप लोगों को इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट पे आय बराबर खर्च प्लस बचत पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपके प्रीलिम्स लेवल पे यही क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स लेवल पे नहीं पूछा जाता है। अब मेंस लेवल की जो सीरीज है वो हमारी जल्दी ही आएगी, तो उसमें आपको मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा, बट मैं इसमें भी कभी कभी जहां पर मुझे जरूरत महसूस होती है कि इस लेवल का क्वेश्चन भी प्री या NTPC या किसी भी बैंक के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको लेकर मैं जरूर आता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन पे नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उस तरीके का क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग साथ में जुड़े रहिए, और ये सीरीज हमारी खत्म होने के बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इसे, और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, UP की हो, MP की हो, या फिर सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी हो, जैसे SSC CGSL अभी आई हुई है, और बैंक की कोई भी वैकेंसी हो, तो उन सभी में इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।